हाल ही में अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत दुनिया भर में होने वाली विचित्र घटनाओं और एलियंस पर रिसर्च की जाएगी। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिका में साल 1978 में एक एलियन को गोली मारी गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एलियंस को लेकर बहस दोबारा शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। एलियन और दूसरी दुनिया की इस बहस को अमेरिका के पूर्व एयरफोर्स अधिकारी ने जन्म दिया है, जिन्होंने दावा किया है कि साल 1978 में अमेरिकी मिलिट्री बेस में एक एलियन को मारा गया था। इस पूरी घटना का जिक्र मशहूर पत्रकार जॉन एल गुएरा की किताब स्ट्रेंज क्राफ्ट द ट्रू स्टोरी ऑफ एन एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स लाइफ विद यूएफओज में किया गया है। इस किताब में अमेरिकी एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी मेजर जॉर्ज फेलर का इंटरव्यू लिया गया है, जिसमें उन्होंने एलियन से जुड़े एक रहस्य का खुलासा किया है। मेजर फेलर ने बताया कि जिस समय ये घटना हुई थी तब वो वायुसेना के सीनियर ऑफिसर थे और उस दौरान लगभग 4 साल तक एलियन से जुड़ी घटनाएं होती रहीं। इसी बीच 18 जनवरी 1978 को मेजर जॉर्ज फेलर इंटेलिजेंस ब्रीफ तैयार कर रहे थे कि तभी एक सीनियर मेजर दौड़ता हुआ उनके पास आया। उस दौरान वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने मेजर फेलर को बताया कि एयरफोर्स के रनवे के आखिर में फोर्ट डिक्स पर एक अधिकारी ने अंतरिक्ष से आए एलियन को गोली मारी है। इसके बाद जब मेजर फिलर ने उस पुलिस ऑफिसर से बात की तो उन्हें पता चला कि वो ऑफिसर मिलिट्री बेस की निगरानी कर रहा था। इस दौरान उसकी कार के पास एक पतला और ग्रे ब्राउन रंग का जीव दिखाई दिया। पुलिस ऑफिसर ने उसे वहीं पर रुकने को कहा, लेकिन जीव उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अपने बचाव के लिए ऑफिसर ने एलियन को गोली मार दी। उसके बाद मृत एलियन का शरीर ओहायो में स्थित राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर लाया गया। मेजर फिलर ने इस घटना से जुड़े सभी चश्मदीदों से बात की और एक रिकॉर्ड रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया, लेकिन वो रिपोर्ट बना पाते इससे पहले ही सरकार की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। इसी वजह से साल 1978 में मारे गए एलियन से जुड़ी कोई रिपोर्ट या तथ्य सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलते हैं और न ही किसी अधिकारी ने इस घटना का जिक्र किया। इसके बाद एलियन की लाश का क्या हुआ? क्या नासा के वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च की? इस मामले में मेजर फिलर को कोई जानकारी नहीं है। सरकार के लिए काम करने की वजह से मेजर फिलर अपनी नौकरी के दौरान एलियन से जुड़े इस रहस्य को शेयर नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने रिटायर होने के बाद इस घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि मेजर फिलर अमेरिका के उस गैर सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रह चुके हैं जो एलियंस पर काम करती है, और उसमें मिलिट्री के अधिकारी और नासा साइंटिस्ट शामिल हैं। अब अमेरिका एक बार फिर एलियंस और स्पेसशिप में दिलचस्पी दिखाने लगा है, जिसके तहत पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स का काम ये पता लगाना है कि एलियन स्पेसशिप यानी यूएफओ से जुड़ी घटनाएं कब और कहां हुई थीं। अब जापान और अमेरिका मिलकर एलियन और स्पेसशिप से जुड़ी तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर दूसरी दुनिया से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले नासा के वैज्ञानिक और अमेरिकी मिलिट्री ने मिलकर काफी सालों तक गुप्त तौर पर एलियंस और स्पेसशिप पर अध्ययन किया था। अगर अमेरिका और जापान के बीच हुआ ये समझौता दूसरी दुनिया और एलियंस से जुड़े रहस्यों को सुलझाने में कामयाब हो जाता है तो ये मानव इतिहास को बदल देने वाली खोज साबित होगी। लेकिन तब तक के लिए हम सभी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।